लौकी की सब्जी ज़्यादातर खाना हम पसंद नहीं करते हैं, यानी कि घिया की सब्जी ज़्यादातर हमें पसंद नहीं आती है। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो सभी कटोरी भर भर के एकदम से चट कर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी लेंगे, बिल्कुल ताजे वाली और कच्चे वाली ये होनी चाहिए, बिल्कुल पतली। अब हम छील लेंगे, देखिए मैंने इसे छील लिया है। अब इसे कद्दूकस करेंगे, देखिए लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से इसमें पानी आ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे अच्छे से और एक छलनी में डाल लेंगे, और एक से दो मिनट हम इसे रख लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब एक बड़े से बाउल में इसे डाल लेंगे और मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, डाल लेते हैं। एक चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, दो चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, एक चम्मच यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चौथाई छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन ली है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, और आधी छोटी चम्मच ही चाट मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब मैंने यहाँ 6 बड़े चम्मच बेसन लिया है। बेसन आपको जितना भी ज़्यादा या कम मॉइस्चर होगा लौकी में, उसी के हिसाब से हमें बेसन लेना है। तो मैंने यहाँ 6 बड़े चम्मच लिया है। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर ज़्यादा मॉइस्चर इसमें लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच बेसन और इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से ये हल्का सा पानी छोड़ देता है, तो नमक सबसे बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर लग रहा है आपको, तो आप 1 से 2 चम्मच बेसन और ऐड कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और गोल गोल, या आप राउंड शेप के बना सकते हैं, या आप चाहें तो ओवल शेप के कोफ्ते बना सकते हैं। तो मैं राउंड शेप के कोफ्ते बना रही हूँ, प्लेट में रख लेते हैं और बना लेते हैं कोफ्ते। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हथेली पर गोल करते हुए हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। देखिए सारे कोफ्ते हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। कोफ्ते बनकर तैयार हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते फ्राई करने के लिए यहाँ तेल अच्छे से गरम कर लिया है, कोफ्ते डाल लेते हैं। तेल को हम एक बार अच्छे से गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम गैस को कर देंगे और कोफ्ते डाल लेंगे। कोफ्ते को तुरंत डालने के बाद टच नहीं करना है, हल्का सा इनमें कलर दिखने लगे तब हम अलट पलट करके इनको फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, अगर हम लो फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए इनमें कलर दिखने लगा है, अलट पलट करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन्हें। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत ही प्यारा कलर आया है। 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे हम। देखिए इन्हें फ्राई करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे हम, टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। सारे कोफ्ते हम ऐसे ही निकाल लेंगे।
देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है। अब ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे हम। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, उसमें एक चम्मच तेल और एक चम्मच ही मैंने घी लिया है। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे और दो मैंने यहाँ प्याज का पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो बारीक कट करके भी प्याज ले सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्याज मैंने भून लिया है। अब मैंने यहाँ एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल लेते हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। एक चम्मच मैंने यहाँ धनिए के जो डंठल होते हैं, जो डंडियाँ होती हैं, वो कट करके ली हैं। इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। एक चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब मैंने यहाँ चार टमाटर की प्यूरी बनाई है, वो डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से पका लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। सारे मसाले अच्छे से पका लेंगे और ढक कर इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गई हैं। देखिए ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर लेंगे, डाल लेते हैं सारे कोफ्ते इसमें। कोफ्ते डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि कोफ्ते टूट जाएंगे, तो ज़्यादा इसको नहीं मिक्स करना है। एक बार अच्छे से मिक्स करके हम छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, डाल लेते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी ली है, जिसे मैंने तवे पे भून लिया है। हाथों से क्रश करके हम इसे डाल देंगे। हाथों से क्रश करके अगर हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिला देते हैं इसे भी अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ आधा कप इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी ग्रेवी रख सकते हैं। हल्की सी हमें पतली रखनी है क्योंकि कोफ्ते हैं तो वो ग्रेवी को पिएंगे, तो इसमें हल्की सी पतली हम ग्रेवी रखेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गई है, कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, कोफ्ते डालने के बाद हम 5 मिनट ही से पकाएंगे। अब हम इसमें एक चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो एक चम्मच यहाँ घी भी डाल सकते हैं। बटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। कोफ्ते बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी बने हैं। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले हैं।
बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं और एकदम सॉफ्ट हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आप अगर बनाएंगे लौकी के कोफ्ते तो सभी भर भर के कटोरी खाएंगे, एकदम से सारी सब्जी चट कर जाएंगे। तो चलिए आप भी बनाइए इसे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।